नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की किताब में जो पहली इकाई में 10 नंबर की विधा दी गई है पूरक पठन ठेस फणीश्वरनाथ रेणु उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर हम लेखक का परिचय। रचनाकार का परिचय जानेंगे। जन्म 1921 पूर्णिया बिहार, मृत्यु 1977। परिचय, हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रमुख कृतियां महिला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, रून जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। गद्य संबंधी दिया गया है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। इस पूरक पठन में फणीश्वरनाथ रेणु कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। प्रस्तुत कहानी में सिरचंद नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पेटी यानी कि चटाई, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। वह एक कारागीर है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। तो चलिए देखते हैं इस पूरक पठन में सिरचंद की कहानी। शुरुआत करते हैं पहले परिच्छेद से। खेती बाड़ी के समय गाँव के किसान सिरचंद की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेगार यानी कि बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया गया काम, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचंद को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाव रखता हुआ धीरे धीरे मुक्त में मजदूरी देनी ही तो और बात है। आज सिरचंद को मुक्त खोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया, मड़ैया यानी कि झोपड़ी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचंद भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचंद से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। चीक यानी कि बांस की तिरियों का बना हुआ पर्दा। सिरचंद एक अच्छा कारीगर था, इसलिए अच्छी चीजें वह बनाने का काम करता था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा डिमांड थी। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जादा बेचारा मेरे काम के पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचंद ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है।
तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के लिए पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन को मनाने के लिए, सिरचन से काम करवाने के लिए उसे चटोर कहा गया है, स्वाद लुलुप कहा गया है। इसलिए उसके खाने वाली, उसे पसंद जो चीज़ें थी खाने वाली, वह उसके लिए बनानी पड़ती थी और अपना काम लोग उससे करवा लेते थे। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है? सिरचन जाति का कारीगर है, सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेवन सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो तीन पटेर की पाटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, मानू के दुल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतली न आए, कोई बात नहीं, तीन जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की दो शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो, ऐसी धमकी दी थी। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मंजली भाभी ने नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुलिया, मानो दीदी
काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, इससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती के सात तारे जगमगा उठे। सात रंग के सतभैया तारा अपने काम में मगन, सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चूरा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी भी भौहें तक तन गई। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बौरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, पांच तरह के लोग पांच किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुरा कर का पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपने डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के? मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी हसियां वगैरह समेट संभाल कर झोल में रखे टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी, यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया।
चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हलकाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसामी खुश की। गाड़ी चल पड़ी, मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। पनीश्वरनाथ रेणु की संपूर्ण कहानी उम्र से लिया हुआ यह पूरक पठन ठेस सिरचन पर आधारित यह कहानी हमने यह पूरक पठन हमने यहाँ पर पढ़ा है। अभी इस पर कृतियाँ हम देखेंगे। दोस्तों, स्वाध्याय में यहाँ पे सवाल दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला सवाल है, संदाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम, सिरचन को कौन कौन से काम आते थे वह हमें इस संजाल में लिखना है। यहाँ पे चार काम जो सिरचन को आते थे वह हमें लिखना है। उसमें इस परिच्छेद के माध्यम से पाठ की सहायता से हम लिख सकते हैं। पहला काम उसे जो आता था, मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना। उसके बाद बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक बनाना। नंबर 3, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना। और आखिरी जो काम था, सतरंगे डोर के मोढ़े बनाना, यह हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी कृति दी गई है, कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन का मेहनताना, 2 बॉक्स दिए गए हैं, उसमें पेट भर खाना, यह उसका पहला मेहनताना हम लिख सकते हैं। और दूसरा जो है, एकाध पुराना धुराना कपड़ा। दूसरा सवाल दिया गया है, मानू को उपहार में मिला, मानू को उपहार में क्या मिला था, ये मिली थी जो हमें इन बॉक्स में लिखनी है। पहली शीतल पाटी और दूसरी चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी, यह दो चीज़ें उपहार में मिली थी। तीसरा जो है, और दूसरा जो है, तीसरा सवाल है, सिरचन को लोग कहते हैं क्या कहते थे, तो वह दो शब्द हमें लिखने हैं, मुफ्तखोर और कामचोर, यह दो शब्द हम वहाँ पे लिख सकते हैं। वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए, ऐसा एक सवाल यहाँ पे दिया गया है। जो दिए हुए वाक्य है उसमें पहला, सातों तारे मंद पड़ गए। दूसरा, ए मेरी ओर से है, सब चीज़ें है दीदी। तीसरा, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। और चौथा, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। इन चारों वाक्यों को हमें क्रम से लगाना है। क्रम से लगाते समय हम इसमें पहला जो वाक्य है इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला वाक्य, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। उसके दूसरा वाक्य, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तीसरा वाक्य, सातों तारे मंद पड़ गए। और चौथा वाक्य जो है, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें है दीदी। इस प्रकार हम इसका क्रम लगा सकते हैं। अभिव्यक्ति में एक सवाल दिया गया है, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। इस सवाल का हमें जवाब लिखना है। कृति दी गई है स्वमत अभिव्यक्ति के लिए। यहाँ पे हम इसके बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ
सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही किया जा सकता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोग कलाओं और कलाकारों को उचित प्रश्न न मिलने के कारण प्रश्रय न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं की पहचान पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकवाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमें व प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार हम इस अभिव्यक्ति में लिख सकते हैं। यहाँ पे भाषा बिंदु पर एक सवाल दिया गया है। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य दिया है, अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल करने के लिए कहा गया है, अली घर से बाहर चला गया। उसके बाद आराम हराम हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल एवं भविष्य काल। आखिरी जो सवाल है यहाँ पे उपयोजित लेखन पर आधारित, पुस्तक प्रदर्शनी में एक घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। निबंध लेखन के लिए यहाँ पर एक विषय दिया गया है, तो पुस्तक प्रदर्शनी में एक घंटा किस तरीके से बिता है उसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा, पुस्तकों के बारे में जानकारी देनी होगी। तो इसकी सहायता से निबंध लेखन करना होगा, यह भी जरूरी है क्योंकि रचना विभाग में जो आखिरी सवाल पूछा जाता है निबंध लेखन पर 7 अंकों के लिए, उसमें जो किताबों में अपनी कोर्स बुक में किताबों में जो विषय दिए गए हैं निबंध के, उनमें से ही निबंध पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज हमने यहाँ पर जो 10 नंबर की विद्यार्थी पूरक पठन ठेस उसके बारे में जानकारी ली है, उसका स्वाध्याय, उस पर दी गई कृतियाँ आज हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।